तो राधे राधे फ्रेंड्स, खाना के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और अब व्रतों का सीजन स्टार्ट हो गया है, तो आज मैंने यहाँ पे फलहारी लच्छे वाले आलू बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने दो छोटे आलू लिए हैं और उनको धो करके कद्दूकस कर लिया है और फिर उसको 3 से 4 बार धो लिया है अच्छे से, ताकि जो सारा स्टार्च है ना वो निकल जाए। खेमे थोड़ा सा सुखा लिया है और अब जो हमारा तेल था वो अच्छे से गर्म हो गया है। यहाँ मैं मूंगफली के तेल का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि व्रत के लिए बना रहे हैं। अगर नॉर्मल डेज में खाने के लिए बनाना है तो आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमें इसको तेल में डाल करके अच्छे से सुनहरा होने तक इसको फ्राई करना है और हमें इसको चलाते रहना है, नहीं तो ये एक साइड से ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि अब ये हल्का हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। और जब ये बिल्कुल ऐसे हमें लगे कि अब ये क्रिस्पी हो गया है और अच्छे से ब्राउन हो गया है, तो फिर हम इसको अपना निकाल लेंगे और निकाल करके जो हमारा दूसरा बैच है ना वो ऐड कर देंगे। और फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ 5 मिनट में बन करके तैयार हो जाता है। ना ज़्यादा कोई मेहनत, ना कोई झंझट, बस आलू को कद्दूकस करिए, तेल में डालिए, फ्राई किया और हो गया। यहाँ मैंने अपने लास्ट वाले बैच में थोड़े से करी पत्ते ऐड किए हैं फ्लेवर के लिए, और इसको भी हम आलू के साथ ही फ्राई कर लेंगे। अगर हम इसको अलग से डालेंगे तो आलू के जलने का डर रहता है। और अब मैंने यहाँ पे थोड़े से मूंगफली को भी साथ में फ्राई कर लिया है। जब मूंगफली हमारी अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो फिर हम मूंगफली को निकाल करके इसके अंदर थोड़े से बादाम ऐड करेंगे। इसको भी हमें चलाते रहना है, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी जलने लग जाते हैं। तो अब जो हमारी मूंगफली हो गई है, तो मैंने यहाँ पे 6 से 7 बादाम डाल दिए हैं। बादाम को भी हमें अच्छे से फ्राई करना है, ताकि ये भी थोड़े से क्रंची से हो जाएं। मैंने किशमिश को पहले ही डाल करके निकाल लिया और फिर अब मैं इसके साथ ही इसके अंदर थोड़े से काजू भी ऐड कर दूँगी। काजू को इसलिए बाद में डाला है क्योंकि काजू ना बहुत ही जल्दी से ब्राउन हो जाते हैं, इसलिए बस हमें इसको कुछ सेकंड के लिए डाल करके और फिर फ्राई करके हमें निकाल लेना है। अब ये सारी चीज़ें जो है हमारी वो बन करके तैयार हो गई हैं, तो मैं इसके अंदर थोड़े से काले मिर्च, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और थोड़े से धनिया का जो पाउडर है वो मैंने ऐड किया है। और फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड करूँगी, थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाला है। लाल मिर्च वो भी मैंने घर में पीसा था, बाहर का मार्केट का पीसा हुआ नहीं यूज़ करना है। फिर हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लीजिए, हमारे जो आलू के लच्छे हैं ना वो बन करके तैयार हो गए हैं। ये 2 आलूओं से इतना सारा बना है, तो आप इसको बना करके और काफ़ी दिनों के लिए स्टोर भी कर सकते हो। नवरात्रों में 9 दिनों के लिए 1 किलो आलू में तो ये ढेर सारे बन जाएंगे, तो इनको बना करके रख लीजिए और इन्जॉय करिए, व्रत का भी आनंद उठाइए। सो खाओ पियो मौज करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।